मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के लिए होने वाली शादियों पर अंकुश लगाने के लिए धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। इसे और सख्त बनाने के लिए लव जिहाद के आरोपी की संपत्ति जब्त करने और गुजारा भत्ते का प्रावधान भी जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से तलाक होने के बाद गुजारा भत्ता परिता को दिया जा सकता है, वैसा ही प्रावधान इस कानून में किया जा रहा है। इसके साथ ही शादी कराने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के साथ पादरी गुरु मौलवी भी जेल जाएंगे। बहुत जल्दी लव जिहाद का कानून कैबिनेट के अंदर आने वाला है और कैबिनेट के बाद में वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो 28, 29, 30 को सत्र है, उस सत्र के अंदर मध्य प्रदेश विधानसभा में हम लेके आने वाले हैं। हमने इसमें कई प्रावधान जोड़े जो बाकी के स्टेटों से भी इतर होंगे। 10 साल की सजा का आपके ध्यान में है ही। इसमें हम वो भी जोड़ने वाले जो संपत्ति कुर्के वाली बात रहती है, हम उस पर भी विचार कर रहे हैं। अभी के जिस तरह से तलाक हो जाने के बाद में गुजारा भत्ता देना होता है, तो वैसा गुजारा भत्ता इस परित्यक्ता को मिल सकता है क्या? इस तरह के नए विचार भी इसमें हम स्वीकार और अंगीकार करने के बारे में अभी विचार की कर रहे हैं।